अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो हम आपको बताएंगे मीज़ान बैंक की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई है, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। BSO कैशियर के लिए जॉब्स हैं, बैच 2020 है, बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसी जो मुकम्मल डिटेल से बताएंगे, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। IDs के लिंक आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पर और आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पहले लिंक को जहाँ पे 22 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स एडमिशन, प्राइवेट जॉब स्कॉलरशिप्स और इंटरनेशनल जॉब्स के अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो आप इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें या आप सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मीज़ान बैंक जॉब्स, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल रीड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसका ऐड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले आपसे डिटेल शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऐड है और इसमें BSO के लिए जॉब्स हैं, कैशियर के लिए, बैच इसमें 2020 है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं 45% मार्क्स के साथ। BA, BSc, BCom, BBA या इससे इक्विवेलेंट जो भी डिग्रीज हैं वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, 14 साल तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें अगर आप हाफ़िज़े कुरान हैं तो आपकी एज जो है 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशन वाइड, मतलब पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। इसमें आपको महाना 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस आपको बेनिफिट्स इसमें दिए जाएंगे। 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, वो कैसे करना है वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़े से नीचे आना है, यहाँ पे BSO लिखा हुआ है, ब्रांच सर्विस ऑफिसर्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे इस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। 700 ब्रांचेस हैं और 190 सिटीज़ पूरे पाकिस्तान में, तो इनमें ये जॉब्स हैं और यहाँ पे आपने थोड़े से इसको रीड कर लेना है। और ये नेशन वाइड जॉब्स हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको येलो कलर में अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ से आपने इसको रीड कर लेना है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है और पासवर्ड देना है और उसको आपने लॉगिन कर देना है। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है सबसे पहले, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद मतलब अगर आपका नाम अली शाह है तो यहाँ पे फर्स्ट पे अली आएगा और लास्ट में शाह आएगा। अगर आपका अली मोहम्मद शाह है तो मिडल में मोहम्मद आएगा। अगर आपका जस्ट दो एक वर्ड का नाम है तो जस्ट फर्स्ट नेम में आपने अपना नाम लिखना है। उसके अलावा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है बगैर डैशेस से। यहाँ पे जो अपनी जो डिग्री है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके अलावा डिग्री टाइप, कौन सी फील्ड में आपके पास डिग्री है और डिग्री टाइटल आपका क्या है। मेजर सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर 3 लिखने हैं कम से कम। आप लिखेंगे, आपके सामने सर्च बटन आ जाएगा तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे लिखने हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, यहाँ पे कौन से साल में पास किया है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हैव यू वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई काम का एक्सपीरियंस है तो येस करें, उसकी डिटेल यहाँ पे दें। अगर नहीं है तो नो पे कर दें।
उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कौन सी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे वो अपने सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है वो यहाँ से सिलेक्ट करें। फंक्शनल एरिया, कौन से आप फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिखें। उसके अलावा कैरियर लेवल, यहाँ पे एंट्री लेवल आएगा। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड कार्डिनू के पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो कुछ इस किस्म से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस ईमेल हैव यू एंटर इज़ ऑलरेडी इन शूज़। तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन का बटन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना जो ईमेल है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा वो आपने उसको ओपन कर लेना है। फिर उसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद उसमें सबमिट का बटन आएगा, आपने उसको सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह आप इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।